प्यारे बच्चों, मैं आनंद मोहन सर, एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल समतपुरा बहरी से कक्षा 9 के छात्रों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखिका है चपला देवी। इस कहानी में उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्यारे बच्चों, अब आप लोग इस कहानी को ध्यान से देखें। मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ कुछ कठिन शब्द आएगा उसे मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधू पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना के साथ न ले जा सके। देवी मैना पिठुर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठुर की ओर बढ़ गया। बिठुर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपे लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख अल्प वयस्क देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती है? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि अधिकार मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था, सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जल पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल ये हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री
की तरह सम्मान करते थे। मालूम होता है कि वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास आज तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना। सेनापति कुछ चंकार कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं डाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल औटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति तो लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल औटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड केनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल औटरम की आज्ञा से नैना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में हुआ महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स में 6 सितंबर को यह लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लाइन्स सभा में सर टॉम्स हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज दरदारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉम से एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से एक प्रेमालाप हुआ उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल औटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए।
बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल औटरंग भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल औटरंग ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं यहाँ जी भर कर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता महादेव चितन फीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया, नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। प्यारे बच्चों, आप लोग इस कहानी को 2-3 बार पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत कम कठिन शब्द थे, उसका मीनिंग मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इस पाठ में कुल 11 प्रश्न है, जिसमें 8 का जवाब मैंने लिख के ऑनलाइन आप लोगों को भेज दिया है। प्रश्न संख्या 9, 10 और 11